ये है सर आपका स्नेक, बिल्कुल है मैडम। ये सांप का जोड़ा भी बताया जाता है क्योंकि इसका जो आगे का जो हिस्सा है वो सेम ऐसे मैच करता है। स्कॉर्पियो देखना चाहे मैडम, इसको कवर कर देंगे ना अपन तो ये पूरा स्कॉर्पियो नज़र आता है अपने को। इसको कवर करने के बाद में ये वाला एरिया पर्टिकुलर क्रॉस, आप कहीं भी राजस्थान में विजिट करेंगे जो आपका दरवाजे जो है क्रॉस बनाए, क्रॉस का मतलब ये है। फाइनली पहुंच गए आमेर फोर्ट, 8 बजे पहुंचने का टाइम था पर यहाँ पे अभी एग्ज़ाम में किसी की तो पूरे जयपुर में इंटरनेट बंद है, इसीलिए रास्ता ढूंढ ढूंढ के आया। 8:45 हो रहे, गाइड हमारी वेट कर रहा है, लेट्स गो इनसाइड। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बाहर से। बात ये है सर, अपन ने कल स्टेपल बावड़ी देखी थी, आपको ध्यान हो तो विलेज एरिया है, हम लोग शहर जयपुर को बोलते हैं। और 1589 लगभग 1599 या 89 के लगभग इस पैलेस की आधारशिला रखी गई थी मानसिंह जी के द्वारा, पहले मानसिंह जी। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर कि कुछ मंदिर बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं, कुछ लोग बताते हैं 365 है, कुछ लोग बोलते हैं 350 मंदिर है, लगभग कुछ 300 से ऊपर मंदिर हैं यहाँ पर। ये जो बाउंड्री अपन देख रहे हैं सर पूरा और सिक्योरिटी, पहले क्या होता था सर, कैमरे नहीं होते थे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, तो ज़माने के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो रहते थे वो वॉच टावर से, अच्छा सैनिक वगैरह खड़े होते थे। दूसरा चीज़ आज पुलिस पेट्रोलिंग करती है सर गाड़ी वगैरह से या वॉक या बहुत सारी चीज़ें होती तो सैनिक भी घोड़े से जहाँ तक जा सकते थे जाते थे, बाकी बाई वॉक पूरी सुरक्षा के लिए। आउटर वॉल और इनर वॉल दो दीवारें बनी हुई है जो अपने को यहाँ से इतना क्लियर दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसके पीछे भी एक दीवार है विलेज एरिया के अंदर सामने अंदर की तरफ। इससे उधर जाएंगे तो कुंतलगढ़ एक सबसे पुराना किला है यहाँ का। अब बात करते हैं कि पैलेस का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया या कैसे बना, तो राजा मानसिंह प्रथम जो अकबर की सेना में सेनापति हुए उन्होंने इस पैलेस की आधारशिला रखी, लेकिन उससे पहले भी तो ये लोग रहते थे तो वो नीचे वाला जगह सामने वाला। अच्छा, अभी इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो राजा भारमल या उससे पहले और नरसिंह जी का एक बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है इसके अंदर, ASI प्रॉपर्टी है अभी राइट नाउ। 1036 बाई काकिल देव जयगढ़ किले का फाउंडेशन डेट है और आमेर का 1589 जैसा मैंने आपको बताया। अलग अलग फोर्ट है दोनों। हाँ जी, तो ये जयगढ़ किला कहलाता है, जयगढ़ के जस्ट सामने नारगढ़ बना हुआ है, लेकिन ये इससे पहले का है, आमेर महल के पहले का। अब आप मुझे ये बताइए कि पैलेस और किले में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम लोग जानना चाहें व्हाट इज द डिफरेंस इन पैलेस एंड फोर्ट, तो क्या डिफरेंस होगा पैलेस या किले? फोर्ट तो जो होल्ड करते हैं वहाँ पे फाइटिंग के लिए, उसके पैलेस है जहाँ पे वो रहते हैं। और दिस पैलेस एंड फोर्ट एरिया इज कनेक्टेड विद अ टनल बिकॉज इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी लड़ाई या फाइट हो तो आप एस्केप रूट अपना सकते हैं, बच्चों को महिलाओं को सेफ भेज देंगे, वहाँ से आर्मी या सोल्जर बुला सकते हैं। क्योंकि वो एक सुरंग का रास्ता जो अभी बंद कर रखा है, पहले चालू रहता था हमेशा के लिए, थोड़ी दूर राजा टनल के द्वारा जाएंगे बिकॉज छोटा सा मतलब सीक्रेट पैसेज बना हुआ है और आगे घोड़े से सीधा निकल सकते थे क्योंकि बहुत बड़ा रास्ता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा किला जब स्टार्टिंग हुआ तो मैंने बताया 1036, लेकिन जब कंप्लीट हुआ काफ़ी समय जयसिंह सेकंड के टाइम का था। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है पहले जयसिंह सेकंड जयसिंह कौन से थे, पहले जयसिंह जिन्होंने शीशमहल बनाया वो अभी अपन जाके देखेंगे, अंदर जाएंगे अभी, और दूसरे जयसिंह जिन्होंने खुद के नाम से जयपुर शहर को बसाया। जयसिंह के नाम से जयपुर है। अच्छा, राजाओं का स्थान जानते हैं राजस्थान? हाँ। आप कहीं भी जाइए चाहे जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर अजमेर अजय राज सिंह जोधपुर राव जोधा बीकानेर राव बीकाजी उदयपुर उदय सिंह जी जैसे और जयपुर जय सिंह के नाम से, इसीलिए हम लोग बोलते हैं राजस्थान। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, पहले के ज़माने में क्या होता था, नाम नहीं होते थे तो कलर से लोग पहचाने जाते थे, कलर से ही राज्यों का नाम रख रखा था, गोल्डन सिटी पिंक सिटी ब्लू सिटी लेक सिटी इस तरह से। और ज़्यादातर बात करें सर पूरा वाइड तरीके से तो राजस्थान इज डिवाइडेड इन 4 और 5 सेक्शन। तो आप ढूंढाड़ एरिया में ढूंढाड़ समझते हैं आप लोग? नहीं। देखो जैसे गुजरात में कुछ एरिया हैं उनका अलग नाम है लोकल, वैसे यहाँ ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की राजा दूला राय, उस जमाने के अंदर सौड़देव बहुत पुराने राजा थे, वैसे मारवाड़ मेवाड़ शेखावटी अंचल एरिया और हाड़ोती कोटा साइड का इलाका बूंदी कोटा ये दरवाला।
पैलेस ऑल्सो डिवाइड इन फोर सेक्शन सर. जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा वो सबसे नया पोर्शन है, मतलब सबसे बाद में बना हुआ है, क्योंकि ये बिल्डिंग आगे से पीछे नहीं बनी है. पीछे से कंस्ट्रक्शन होते हुए आगे तक पूरा ख़त्म हुआ है पैलेस एरिया. और कुछ खास चीज़ें हैं, मान सिंह पहले वाले और जय सिंह फिर पहले वाले और फाउंडर ऑफ जयपुर, तीन राजाओं की मुख्य भूमिका इस पैलेस को बनाने के लिए. और इससे पहले मैंने आपको नीचे एक पुराना बिल्डिंग दिखाया था, राजा भारमल की रहने की जगह थी, उससे पुराने विष्णु सिंह, विशन सिंह जी, जय सिंह जी जो फादर थे. तो काफ़ी इतिहास में चेंजिंग आया बिकॉज इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री, द मैरिज ऑफ जुदा अकबर, बिकॉज इट वॉज ए पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक संबंध थे, इसके कारण से कुछ लड़ाइयाँ भी कम हुई है. काफ़ी समय की बात है जब यहाँ पर कुछ समय के लिए आमेर का नाम अमीनाबाद भी रखा गया था औरंगजेब के ज़माने में. तो सामने जो दरवाज़ा है ये चौथा वाला दरवाज़ा है सर, इसको अपन बोलते हैं गणेश पोल. पोल का मतलब वही है दरवाज़ा. ये दरवाज़ा हम लोग क्रॉस करके आए थे सिंह पोल लाइन गेट, जहाँ से हम दोनों टिकट चेक करवाया था, और ये वाला दरवाज़ा गणेश पोल. लेकिन यहाँ भी कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई है. अगर हम लोग बात करें, आज अपने पास मोबाइल, टीवी, डिश, सारी चीज़ें होती हैं मनोरंजन के लिए. पहले के ज़माने में क्या होता था? लाइव परफॉर्मेंस, पपेट शो, डांसिंग, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, किसी भी तरह का प्रोग्राम. तो ये जो चीज़ें हैं ये सब पुराने ज़माने के हिसाब से बनी हुई है. दीवाने आम, दीवाने खास, मुगल गार्डन, काफ़ी जगह आप लोग देखेंगे ना तो नॉर्मल वही नाम है, आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए. और एक गार्डन जहाँ महिलाएं बैठ सकती थी या रानियाँ, क्योंकि काफ़ी जगह परमिशन नहीं होती थी कि आप लोग बाहर चले जाएं. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों से सवाल किया जाए व्हाट इज द डिफरेंस इन हिंदू एंड मुगल आर्किटेक्चर, तो आप लोग क्या बताओगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, धार्मिक चीज़ें हैं, मूर्ति पूजा होती है हिंदुओं में, मुस्लिम लोग चिन्ह वगैरह प्रतीक वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. तो ये एक फाइन एग्जांपल अबाउट द हिंदू मुगल आर्किटेक्चर, एलिफेंट ट्रंक द लोटस, और नीचे जो फ्लावर मोटिफ बना हुआ है ये वाला. लेकिन अगर लोटस इसमें होता कमल का फूल तो वो विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है, तो वो हिंदू आर्ट में गिना जाता है. काफ़ी चीज़ें पैलेस के अंदर भी देखेंगे, लेकिन दीवाने आम का एरिया ओनली फॉर द कॉमनर्स, दीवाने खास फॉर द प्राइवेट ऑडियंस. और एक गार्डन जहाँ रानियाँ रह सकती थी, जिसको हम लोग चार बाग मुगल गार्डन या आरामबाग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसका खास रीजन ये है कि आप हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे, जयपुर, दिल्ली, आगरा, इट्स अ गोल्डन ट्रायंगल फॉर द टूरिस्ट. ठीक है, काफ़ी जगह आपका सिमिलर मिलेगा, दीवाने आम भी मिलेगा सब जगह, दीवाने खास भी मिलता है, और आरामबाग या चार बाग के नाम से कुछ गार्डन मिलते हैं. राजा ऊपर बैठते थे, और आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले सब जगह पर्दे होते थे. देखिए सिक्योरिटी गार्ड, जैसे आज कोर्ट में आवाज़ लगता है, सबका नाम पुकारा जाता था, पूरा नाम लिखा जाता था, जिसका नंबर आएगा वो अपनी समस्या को बताएगा, आम लोग वापस यहाँ से चले जाएंगे. लेकिन खास लोगों के लिए ये अंदर बना हुआ है, क्योंकि दिस इज़ द एरिया फॉर द कॉमनर्स, आम लोगों के लिए. सैफ्रॉन गार्डन या केसर बाग कहलाया. देखिए दो रीजन है सर इसके, राजस्थान इज़ ए वेरी हॉट एरिया. अगर आप कुछ ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो आप मौसम के विपरीत करेंगे, है ना. तो पुराने ज़माने में क्या था, राजा बड़े जिद्दी होते थे मैडम, चाहे पैलेस बनाना हो चाहे ताजमहल बनाना हो, क्योंकि ये एक संकल्प का काम है, छोटा मोटा काम तो है नहीं सर, पैसा भी बहुत लगता है. तो ये कोशिश की गई कई बार, कुछ लोग बोलते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम पे या मानसिंह जी के समय में, लेकिन ये सब 16th century की बातें. और बहुत कोशिशों के बावजूद कुछ लोग लाए भी श्रीनगर से, कॉन्सर्ट भी लाए केसर लगाने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे. ये जो गार्डन है इसको हम लोग वैसे तो केसर बाग बोलते हैं, लेकिन मोहन बाड़ी इसका एक पुराना नाम है. बाड़ी मतलब कि बंगाली शब्द है जो घर या रहने की जगह. और एक दलाराम बाग, क्योंकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो पैलेस के अंदर हम लोग जो शीश महल देखने के लिए जाएंगे, उस शीश महल को दो कारीगरों ने बनाया था जिनका नाम दलाराम और मोहन राम, तो उनके नाम से, याद के नाम से ये दो गार्डन बनाए गए हैं, मोहन बाड़ी और एक दलाराम बाग. सफारी की जाती है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म. बलून सफारी भी थी यहाँ पर 2-3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम. एलिफेंट सफारी आप कर सकते हैं सर. आपको अगर फील करना है कि मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ, तो आप हाथी पे बैठ के आइए, नॉर्मल चार्ज तक लेके आते हैं. पैलेस कोर्टयार्ड जलेब चौक में आपको छोड़ेंगे, और उसके बाद में बाई वॉक फिर आपका गाड़ी, आप उससे वापस नीचे जा सकते हैं. सो अगर आपको हाथी लेके ऊपर तक आना है तो 1100 रुपये का चार्ज है. आप हाथी की सवारी करके नीचे से लेके ये रास्ते से यहाँ पे ऊपर आ सकते हो. राजा घूमने जाते हैं, जैसे आप लोग गुजरात से घूमने आए हैं ना सर, तो कोई ना कोई चीज़ पसंद आएगी जयपुर की, चाहे वो खाना हो, चाहे यहाँ का रहन सहन हो, कला संस्कृति हो, कलर हो. तो वैसे कुछ चीज़ें, ये जो टर्किश बात है, राजस्थान के लोगों को बनाना नहीं आता था, तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? राजा जब घूमने गया कुछ बाहर के देशों में, तो ये वहाँ से चीज़ें आई है. जकूजी कॉन्सेप्ट.
तो मेन चीज़ है राइट साइड में कुछ टॉयलेट बने हुए हैं वो दिखाऊंगा आपको। एक सीढ़ी वाला रास्ता जो कनेक्टेड किया गया शीशमहल से, क्योंकि रानियों को अगर नहाने आना चाहता हो तो वो रास्ता इस्तेमाल करते थे उस जमाने में। तो ये टॉयलेट का रास्ता है, ये बाथटब जो हम लोग देखने वाले हैं। राइट साइड में किचन बनी हुई है अकॉर्डिंग टू वास्तु। और ये मेन गेट है, इसको बोलते हैं गणेश पोल। इसके अंदर में विशिष्ट चीज़ें हैं, ज़्यादा जहाँ खुद रहते थे वो लोग, और ये एरिया आम लोगों के लिए, क्योंकि दीवाने आम जो अप्रोचेबल ओनली फॉर द कॉमन, और खास लोगों के लिए जहाँ रानियाँ या उनके बच्चे या जो राजा खुद रहते थे, या कुछ खास मीटिंग करनी हो तो एक रास्ता जो बंद कर रखा है, जो गेट राम सिंह जी के समय में बिलियर्ड खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग बताते हैं मजलिस विलास भी है जो मीटिंग वगैरह की जाती थी पहले। पानी गर्म करने के लिए आग लगाई जाती थी सर यहाँ से, है ना। और इसका मुख्य कारण यही था कि आज अपने घर में गीजर होता है, बटन दबाया पानी गर्म हो जाता है। पुराने ज़माने में ये चीज़ें, ये सिस्टम नहीं होता था सर, ये नेचुरल चीज़ें हैं मैडम। धुआं निकलने के इतना बड़ा वेंटिलेशन छोड़ा गया है। ये जो डिज़ाइन है गुंबद जैसा, ये आर्ट दिखाता है कि ये मुगलिया डिज़ाइन है, मतलब कि मुगल आर्किटेक्चर में मिक्स करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडो मुगल पर्शियन काफ़ी चीज़ें हैं जो इस पैलेस के अंदर अपने मिले। ये वो सीढ़ियों वाला रास्ता है सर, जहाँ से रानी आती जाती थी उस जमाने के अंदर, जैसा मैं आपको बता रहा था। और इधर बाथटब और उस तरफ टॉयलेट या शौचालय। अच्छा, ये बाथटब है? हाँ जी। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नीचे कॉर्नर के अंदर ये एक टैंक है पानी का। अब चाहे गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, उधर भी गर्म पानी, ठंडा पानी। मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि पहला रूम फॉर चेंजिंग ड्रेसिंग मसाज, सेकंड फॉर स्टीम बाथ, तीसरा जो ये कमरा देख रहे हैं बाहर का बना हुआ है। बिचारियाँ जो है वेंटिलेशन के अपन बहुत बेहतर तरीके से बाहर देख सकते हैं, पर बाहर वाला नहीं देख पाया, क्योंकि एक तो ऊंचाई ज़्यादा है और दूसरा जालियाँ एक दूसरे के आगे क्रॉस कर रही है, इसलिए अपने को क्लियर बाहर दिख रहा है। हवा मिल गए आप लोग? नहीं, बाकी है। तो हवा मिल जब जाएंगे, वहाँ जो खिड़कियाँ बनी हुई है, तो उद्देश्य यही था कि रानियाँ वहाँ से बाहर देख सकें, पर बाहर। पर आप मुझे बताएंगे कि स्टीम बात कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? और सर कोई आइडिया बताएं? पर्दे तो लगते थे, सही बात है। एक चिमनी मैं आपको बाहर दिखाई थी, यहाँ वो चिमनी का होता है, वो चिमनी बाहर लगी हुई है। ये गर्म पानी का टैंक है, आग जलाया, गर्म पानी बहुत बड़ी चुका तो वेदर कवर होता है ये जो पहले लगा हुआ, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं पर्दे से, उस हॉल को अपन ने बंद कर दिया, तो ये जो एरिया है यहाँ पानी भरेगा। अब गर्म पानी थोड़ी देर में भरता है। इसका इधर ऐसा डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऊपर, ये पर्शियन डिज़ाइन में भी अपन देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती थी वो स्टीम बाथ के लिए अनुकूल थी। और पहला रूम जो बना हुआ है वो चेंजिंग ड्रेसिंग एंड मसाज, पुराने जमाने का। सही है, रात में ठंड से रहते थे। देखिए, आज के ज़माने में हम लोगों को बहुत सारी सुविधाओं के लिए भी हर रुपये पे करना पड़ता है। होटल में रुकी या कोई सुविधा लीजिए, पर उन लोगों ने नॉर्मल चाहिए। टॉयलेट जैसे अवेलेबल बताए जाते हैं, कुछ जगह पर ड्रेनेज सिस्टम बाहर की तरफ है, कुछ जगह पे यूज टू क्लीन एवरीडे मिनिमम 3 and 5 times। या जगह का जो नाम है वो गणेश पुल के नाम से बोला जाता है। पुल का मतलब है दरवाज़ा। और काफ़ी पेंटिंग जो है वो पुरानी अपने को दिखाई दे रही है, लेकिन जो दो चीज़ें खास है वो ये वाला है सर। अभी अपने को तो यहाँ से नॉर्मल दिख रहा है सर, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, लिक्विड गोल्ड इस्तेमाल किया जाता था। स्टोन कटिंग पॉलिशिंग के बारे में बताया मैंने आपको, डस्ट इस्तेमाल की जाती थी। तो नॉर्मल है अभी। अब एक बार अंदर एंटर करते हैं, इसको दोबारा उस दूसरी फ्लोर से देखते हैं, तो अपने को क्या डिफरेंस दिखाई देगा वो आपको साफ पता चलेगा। सो आई डोंट नो, आपको अभी पेंटिंग दिख रही हो दिख रही नहीं। जब आप गेट से अंदर आते हो ना, तब नॉर्मल कलर लगता है, कोई शाइनिंग वाले नहीं है। बट जैसे एज यू स्टैंड हियर, इस तरह जब खड़े रहते हैं ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, उसे पूरा गोल्डन दिखता है। आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है नहीं, मैंने ट्राई किया लेने का 2 बार, अगर नहीं दिख रहा है तो आई डोंट नो, कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा, बट बहुत ही अमेजिंग है। क्रॉस
आप कहीं भी राजस्थान में विजिट करेंगे जहाँ तक दरवाजे जो है क्रॉस बनाए जाए, क्रॉस का मतलब ये है कि पहला दरवाजा अगर टूट जाता है दूसरा सेफ्टी रिक्योजन मतलब रीजन के हिसाब से बनाया गया और घूम करके जा सकते हैं, पर सामने डायरेक्टली पैलेस में नहीं जाएंगे। काफ़ी जो गेट बनते थे वो इसी तरह से, और मेन गेट जो जहाँ नीचे बनाए जाते थे वो क्यों, क्योंकि हाथी जो है एक साथ टर्न नहीं करेगा, ऐसे नहीं घूम सकता है, क्योंकि तो उसका वजन भी ज़्यादा होता है, शरीर भारी होता है, तो सीधा सीधा ही चलेगा ज़्यादा। तो इस कारण से ये दरवाजे मेन गेट नीचे वाले या यहाँ वाले सीधे ना बना करके घुमावदार बनाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा शीशमहल भी बोला जाता है सर, जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आज अपन देख रहे हैं सर, उससे डिफरेंट ये अलग चीज़ें होती थी। पहले सब जगह पे पर्दे होते थे सर, ठीक है, ये हुक लगे हुए हैं ना लोहे के, वो इसीलिए है। अच्छा, काफ़ी जगह देखेंगे अपन नीचे भी लगे हुए हैं, आगे की तरफ वहाँ भी लगा हुआ है, देखो क्यों, क्योंकि इसको ऊपर से पर्दा जब लगाया और मान लीजिए हवा तेज़ चलती तो उड़े नहीं, तो उसको बंद किया जाता था। अच्छा, विंटर सीजन में क्या होता था, समर में क्या होता था, वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, तो वूलन कारपेट बिछाए जाते थे अंदर के एरिया में। गर्मियों में सिल्क वगैरह या काफ़ी और भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। सब जगह पे हुक इस बात का प्रमाण ये देते हैं कि यहाँ पर्दे लगाए जाते थे, और पर्दे का तात्पर्य यही है कि एक प्रकार से कवर करना चाहिए अंदर का एरिया। पहले हम लोग जा सकते थे अंदर, अभी एरिया बंद कर रखा है। रीज़न वही है सर कि कुछ लोग आते हैं नाम वगैरह लिखना काफ़ी चीज़ों को, इसलिए कुछ चीज़ें बंद कर रखी है। बाकी शीश महल, दीवाने खास, जय मंदिर या विंटर पैलेस, जो शीशे मंगवाए गए वो बाहर से हैं, मतलब बेल्जियम, सीरिया और यहाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर शहर का नाम हम लोग ले नहीं सकते हैं। कोई बताता बेल्जियम से आए थे, कोई बोलता है ईरान से, कोई बोलता है काफ़ी देशों से। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि भैया उस ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ था नहीं, गाड़ी वगैरह एरोप्लेन तो था नहीं, तो कहाँ से है? तो दुनिया के सबसे बड़े रास्तों में पानी का रास्ता, जहाज़ों के रास्ते चीज़ें आया जाया करती थी। में पेंटिंग करने के अलावा ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जिससे कलर हम पर अंदर चेंज कर सकते हैं शीश महल के अंदर? बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि लैंप जो होता था ना, या दिया जलाएंगे या जो मोमबत्ती या जो भी लैंप उन्होंने यूज़ किया, उसके आगे शीशे का कलर अपन चेंज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अपने को वैसा ही दिखाई देगा चारों तरफ। सिर्फ मेरा बताने का तात्पर्य ये है, हम लोग देख रहे हैं दिन में तारे, बट भावार्थ और शब्दार्थ दोनों अलग अलग हैं। मतलब कि दिया जलाने से इतना खूबसूरत जब लगता था, तो आप ये सोचिए कि आज कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो रोशनी है वो वाइट है, सफ़ेद है, और उस ज़माने में लाल या पीला, तो बहुत खूबसूरत लगता था। मैजिक फ्लावर के नाम से ये एक छोटा सा फूल बना हुआ है, बट सबसे खास चीज़ क्या है सर, कार्विंग ऑन द वन पीस ऑफ मार्बल। पहले मशीनें नहीं होती थी, और मशीनें नहीं होने के कारण ये चीज़ें हाथ से खोद खोद कर बनाई गई। ब्लैक या वाइट मार्बल है, इनलेड किया गया है, काफ़ी जगह ताजमहल में इनलेड किया गया। लेकिन खास क्या क्या दिखता है अलग अलग फैशन से, जैसे ये वाला डिज़ाइन है और ये वाला डिज़ाइन बटरफ्लाई अपने को नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे अपन एंगल चेंज करते हैं अपना देखने का, तो ये हाथी के कान जैसा भी दिखाई देगा आपको ये वाला एरिया। आगे देखेंगे तो ऐसा ये स्टैग, आगे के छोटे छोटे सींग हैं, ये मुंह हिरण के जैसा दिखाई देगा। ऐसे करते हैं तो हनी भी मधुमक्खी के जैसा, और वैसे प्रॉपरली बटरफ्लाई अपने को दिखेगा। अब ये फूल देख रहे हैं अपन, इसमें भी कुछ डिज़ाइनिंग है, और मेरे जो सीनियर कुछ लोग हैं उनको और भी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जैसे ये है सर आपका स्नेक, बिल्कुल है मैडम, ये सांप का जोड़ा भी बताया जाता है, क्योंकि इसका जो आगे का जो हिस्सा है वो सेम ऐसे मैच करता है। स्कॉर्पियो देखना चाहे मैडम, इसको कवर कर देंगे ना अपन, तो ये पूरा स्कॉर्पियो नज़र आता है अपने को। इसको कवर करने के बाद में ये वाला एरिया पर्टिकुलर, ये हाथी के छोटे छोटे से दांत और सूंड का जैसा, इसको कवर कर लेंगे तो हाथ गाय या शेर की पूंछ का डिज़ाइन प्रॉपर अपने को दिखाई देगा पूरा। और वैसे मछली भी है और सूरजमुखी का फूल, तो ये सबसे खास चीज़ क्या है, ये कार्विंग की गई है सर, चिपकाया नहीं गया इसको, और ये छोटे छोटे मार्बल के
टुकड़े हैं, कलर नहीं है। तो खासियत क्या है इसकी, मैजिक फ्लावर इसलिए बोलते हैं इसको कि कार्विंग ऑन द वन पीस ऑफ मार्बल हैंडमेड, जयसिंह के द्वारा बनाया गया है। और उनका जो समय और जयसिंह सेकंड का समय ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे राजा आते गए उन्होंने अपने अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाते गए। तो ये आपके हिसाब से कौन से कोर्टयार्ड में आ गए हम लोग? सेकंड, थर्ड। पहला जलेब चौक था, दूसरा तीसरा ये आ गया, एक मानसिंह महल आएगा। तो वो मानसिंह फर्स्ट वाला, ये जयसिंह जी वाले, और आगे जो कुछ एरिया बनाएंगे जयसिंह सेकंड के द्वारा। और जो चंद्रमहल सिटी पैलेस हम लोग जो देखते हैं, वो कुछ नाम बताते हैं कि रानी के नाम से, चंद्रावती के नाम से चंद्रमहल बनाया गया। पहला बिल्डिंग उन्होंने बना दिया था, बाकी बिल्डिंग जो धीरे 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 आने वाले राजाओं ने बनाया। तो वो सिटी पैलेस जयपुर इनका बाद का घर है और ये पुराना घर है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल कैपिटल है जयपुर का पुराना। जयपुर शहर से पहले वो लोग यहीं रहते थे आने के लिए।